देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो है वो काफ़ी पास में है और उसी के मद्देनज़र जो है सिक्योरिटी का अपग्रेडेशन करना जो है लाजमी हो जाता है। उसी की लाइन पे जो है अकॉर्डिंग टू सीनियर फॉर्मेशन जो है आज ये सर्च ऑपरेशन आज लॉन्च किया गया है एसओजी द्वारा, जिसमें स्थानीय पुलिस स्टेशन की नफरी भी है। इसमें जो है वो सभी आने और जाने वाली व्हीकल जो है उनको चेक किया जा रहा है और जितने भी कम्प्यूटर्स हैं उनसे जो है दस्तावेज और डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म की जो संदिग्ध एक्टिविटी है उस पर जो है कंट्रोल किया जाए। और लोगों का पूरा कोऑपरेशन है, लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें जो है पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है और हम लोग कर रहे हैं। अभी ये जो सर्च जो है वो चल रही है और अभी और चलेगी। देखिए, एएनई जो है वो लगातार कोशिश करते हैं कि जो अमन और शांति है उसमें खलन पैदा की जाए और अक्रॉस द बॉर्डर जो है असलम मिशन जो है वो भेजा जाए, बट एसओजी जो है पूरी तरह से सक्षम है किसी भी इवेंचुअलिटी को मीट आउट करने के लिए। बॉर्डर के लोगों का पूरा साथ है और उनको बताया जा रहा है कि वो किस किस्म के थ्रेट्स जो है, किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं बॉर्डर पे हैं, उनको अवेयर भी किया जा रहा है। एक ड्रोन का इवेंट जो चैलेंज बना हुआ है उसको पार करने के लिए जो है स्थानीय लोगों को, बॉर्डर के लोगों को जो है वो जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ड्रोन क्या होते हैं, क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और जब भी उनको कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या ड्रोन दिखे आसमान में तो फौरन पुलिस को इतला करें ताकि उस पर कार्रवाई की जाए, उसको मार गिराया जाए और जो भी इतला उनको मसूल हो वो जल्द से जल्द पुलिस को बताएं ताकि उस पर जल्द से जल्द टाइमली जो है एक्शन लिया जाए।